Let me go on. Don't be too quick. It is not too quick for me. Sri Raghav Chadda, 14 minutes. 1-4. Sir, आज मैं सिर्फ 2 करोड़ दिल्ली वासियों की ओर से नहीं बल्कि 135 करोड़ भारत वासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसद भवन के भीतर लाया गया होगा। और अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंश का वर्णन करना चाहूंगा जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता में लिखकर बताया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत बन के पांडवों की ओर से हस्तिनापुर जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। कवि लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, इसमें सर हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला, कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग जैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। सर, पहला राजनीतिक धोखा, ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की। 40 साल का लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया। 1977 में जब 3rd मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली में था, उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मता पास कर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। लगातार पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टो मैं बीजेपी का लाया हूं। 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 361 पे पॉइंट नंबर 10 पे ये कहते हैं, ग्रांट स्टेटहुड टू यूटी ऑफ दिल्ली। यानी कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे, यहां तक कि जब 1991 में कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में विधानसभा का गठन किया, उससे भी ना पर्याप्त मानते हुए लाल कृष्ण अडवाणी जी, मदन लाल खुराना जी, सबने बयान दर्ज कराए कि यह भी दिल्ली के साथ न्याय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। सर, 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने, ये 1999 का मैनिफेस्टो है, ये जारी कर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। पेज नंबर 132 पॉइंट नंबर 31, वी विल गिव फुल स्टेटहुड टू दिल्ली। सर, इन लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, सड़कों पे लाठियां खाई, न जाने क्या क्या किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। और अंततः वो दिन आया जिस दिन वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। ये बिल अडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। यह भी बात खत्म नहीं होती सर, इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ
संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है। यह बिल लाल कृष्ण अडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है, यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, मेरा दूसरा भाग कि कैसे यह बिल एक संवैधानिक पाप है। सर, पहली चीज, ये अब्यूज ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, आर्टिकल 123 जो संविधान का देता है। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का एके रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? दूसरा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा बिंदु, यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जजों के संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के फैसले को बदल के आज भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आपको जो ऑर्डर जारी करना है करो, हम चंद दिनों के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर उस फैसले को बदल देंगे। दे हैव चैलेंज द मैजिस्ट्री ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सर, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो ऑर्डिनेंस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे वो फार्म बिल हो, चाहे ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन हो, जो ये सारी चीजें ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से इन्होंने करी थी, इसका इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था। सर, थर्ड बिंदु कि कैसे ये बिल संघीय ढांचे को एरोड करता है। हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का 2023 का, 2018 का संवैधानिक पीठ का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनिक फेडरल आइडेंटिटी है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और भारत का संविधान जो हमें संघीय ढांचा देता है, जो शक्तियां देता है, उन शक्तियों को एनक्रोच करने का काम ये सरकार करती है, हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीनकर। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो एक वाक्य पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द मेजॉरिटी इन द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच हेल्ड that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi. हम पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संघीय ढांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है। उसके बाद सर, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, आज बिना संवैधानिक संशोधन लाए संविधान को बदल दिया मात्र एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो आज तक शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट्री अंडरमाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। भारत का संविधान कहता है सर कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मिलके लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि अफसरशाही को छीन कर ये पूरी तरीके से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल जिसपे सरकारें चलती हैं इस देश में, उसे ध्वस्त करता है। और आखिरी बिंदु संवैधानिक अपराध का, ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है। सर, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसरशाही की जवाबदेही मंत्री को, मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है।
तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया। सर मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। ये कहता है सिर्फ उपराज्यपाल ही ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे एक समिति के माध्यम से, यानी कि अफसर अब मुख्यमंत्री के नहीं सुनेगा, मंत्रियों के नहीं सुनेगा। अगर अब दिल्ली में किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, तो वो उपराज्यपाल के पास जाएगा, अपने मंत्री मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा। क्या लोग जानते हैं उपराज्यपाल कहां रहता है, उपराज्यपाल कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा, उपराज्यपाल ने कौन सा चुनाव जीता? लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकालकर उपराज्यपाल को देता है। यह आगे कहता है सर ये बिल कि हम एलजी को सोल डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपर सीडिंग पावर देता है। आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है, और अगर अफसर को मंत्री का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंत्री का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं। और सर यह बिल अथॉरिटी कमीशंस और कॉरपोरेशंस बनाने की, तमाम गठन करने की, नियुक्ति करने की शक्तियां सारी की सारी केंद्र सरकार को दे देता है, यानी कि सरकार की चाबी एक प्रकार से केंद्र सरकार को हाथ में पकड़ा देता है। सर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर मैं आज अपने साथी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकार चलाते हैं उन्हें कहना चाहूंगा, आपकी जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रात इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महाभारत के एक अंश से, मैं समाप्त भी महाभारत के एक अंश से करूंगा। सर बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर ने शंखनाद करने से पहले एक घोषणा करी और कहा कि ये धर्म धर्म की लड़ाई है, मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा हैं, अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं, उनकी ओर से युद्ध करें। और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के साथ है, पांडवों के साथ है, तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आइए, मैं बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। उस समय कौरवों का एक भाई युयुत्सु कौरव सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। मैं उसी बात का जिक्र करते हुए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहां ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की, अधिकारों की रक्षा करने की। मैं मांग करता हूं आज आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बिल को हराइए। आज ये इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी बिल, अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुनाव ही ना कराएं, चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सस्मित पात्रा। थैंक यू। 12 मिनट ऑनरेबल चेयरमैन सर।